गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश उत्सव के चलते हुए हमारे शहर में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, इसी की एक झलक आज आपको हमारे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो 94.3 माय एफएम के आरजे रेक्स के साथ चलिए और देखिए कि कहां गणेश उत्सव एक नए अंदाज में सेलिब्रेट हो रहा है। तो आइए चलिए मेरे साथ। गणेश उत्सव को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 11 सेक्टर में होली का जो चौक है वहाँ का नवयुवक मंडल है, उन्होंने ये खूबसूरत गजानन जी यहाँ विराजित किए हैं। और आप देख रहे होंगे स्टाइलिश जीप के ऊपर गजानन जी बैठे हैं। और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि मूषक जो हैं, मूषक ने भी सीट बेल्ट लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक अवेयरनेस को बढ़ावा देता हुआ गणेश उत्सव के साथ ये संदेश देता हुआ ये पांडाल है। आइए इस पांडाल के बारे में और जानते हैं। यहाँ पर इसी मंडल के काफी साथी मेरे साथ में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? ललित शर्मा। ललित जी, आपका नाम? गुजाब बागचंदानी। ओके, आपका नाम? श्याम बाबूनिया। गोपाल सेन। गोपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कब से ये फेस्टिवल शुरू हुआ और कब तक चलने वाला है? 2 तारीख को शुरू हुआ था, जो 11 तारीख को विसर्जन होगा। ओके, तो 10 दिन का रहता है पूरा। ओके, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या उद्देश्य है कि इस बार आपने जीप पर गणपति बाप्पा को विराजित किया? ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ओके, इसी के साथ लास्ट टाइम सीट बेल्ट, इस बार सीट बेल्ट, उससे पहले हमारा ये था हेलमेट पहने। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपने देश के नियमों का पालन करें। ओके, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो सोच है वो ये है कि नए ट्रैफिक के जो चालान बढ़े हैं उससे पहले ही हम अपनी आदतों को सुधार लें और नियमों का पालन करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपने पूरा असाइन किया है
ये पूरा पांडाल जो बनाया है, इसमें आपको कितना वक्त लगा और कितनी बड़ी टीम का सहयोग रहा? टीम तो आपके सामने खड़ी है, और सहयोग कैसे सर, इसमें हम लोगों को पूरा प्रिपरेशन आप देखें तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि जो इसको बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए जो बंदे आते हैं वो कलकत्ता से आते हैं, दुर्गावड़ी में वो आते हैं, उसके बाद में वो अपना काम शुरू करते हैं। ओके, यहाँ क्या विशेष आयोजन रहता है रोज़? कितने बजे आरती होती है, कितने बजे दर्शन करने के लिए पांडाल खुलता है? 8 बजे आरती होती है, उससे पहले हम लोग ये बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे, नॉर्मली लोग दर्शन के लिए आते रहते हैं। 8 बजे के बाद आरती के बाद गेम्स होते हैं, जैसे कल वापस महाआरती है, महाआरती मेरे ख्याल से जोधपुर में सबसे बड़ी आरती हमारे पास होती है, ये 551 दियों की महाआरती होगी, उसके साथ एक हमारे जो पंडित जी हैं वो बहुत बड़ी आरती लेके, जैसे गंगा आरती होती है उस तरीके की आरती करेंगे कल, सबसे बड़ी आरती हमारे पास जोधपुर में यही होगी। अच्छा, ये जो मूर्ति यहाँ पर विराजित है, क्योंकि हम लंबे समय से, दैनिक भास्कर भी कहता है, हम भी कहते हैं कि मिट्टी के गणेश होने चाहिए, तो ये जो गणेश विराजित हैं ये भी इको फ्रेंडली हैं? हाँ, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है सर, कि आज से आई थिंक 3 साल पहले हम भी मूर्ति लेके जाया करते थे, जो भी तालाब वगैरह जहाँ सब लोग लेके जाते हैं, वहाँ हम लोगों ने जो मूर्ति का अनादर वगैरह देखा, तब हमने ये फैसला किया कि जहाँ भी मूर्ति अब वहाँ नहीं लेके जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि लोगों में ये मैसेज आए कि पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो उसमें अपना नुकसान है। तब हमने ये मैसेज लेके हम लोगों ने इको फ्रेंडली मूर्ति बनाना शुरू किया, फिर हम लोग लाइव विसर्जन करते हैं जो कि यहाँ पे होता है, पूरा ट्रस्ट लगता है और रेन डांस के थ्रू उसका पूरा विसर्जन होता है, जो मिट्टी निकलती है सब वो जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं उनमें बांट दी जाती है, जो आप घर अपने घर पे ले जाके पौधारोपण करें, और जो घास होती है वो दूसरे दिन तक सूख जाती है, तो यहाँ पे जो भी अपने गाय आती है या जो भी पशु होते हैं उनको हम लोग खिला देते हैं, तो मतलब जो भी मटेरियल यूज में लिया जाता है उसका 100% उसका डिसॉल्विंग हो जाता है। बहुत ही नेक उद्देश्य के साथ में इस उत्सव को यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में, और यहाँ आप ये गुल्लक जो देख रहे हैं इनके बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं हमारे सारे व्यूवर्स को यहाँ बताना चाहूँगा। ये गुल्लक जो है ये नवयुवक मंडल हर बच्चे को भेंट करता है, जो इच्छा जताता है कि मैं ये गुल्लक ले जाना चाहता हूँ उसे एक गुल्लक दिया जाता है, और उससे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हर दिन इसमें 10 रुपये डालें, और साल के अंत में जब उसके पास में 3650 रुपये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो यही गुल्लक जो है अगला पांडाल या अगला जो गणेश उत्सव होने वाला है उसमें वो बच्चा डोनेट कर सके, यानी एक एक बच्चे को भी इस पर्व में शामिल कैसे किया जाए, उस उद्देश्य से यहाँ पर देख रही आप इतने सारे गुल्लक हैं, और कहीं ना कहीं उनमें एक सेविंग का गुण भी पैदा किया जा रहा है, और उनके द्वारा की गई सेविंग से इतना बड़ा भव्य पांडाल बनाया जा रहा है, भव्य उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं इस नवयुवक मंडल को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं पर्यावरण का ख्याल रखते हुए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम यही कहना चाहेंगे दर्शन करें सेल्फी राजा का, जो इस बार आए हैं जीप पर, तो आप भी आएं 11 सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड होलिका चौक के पास में ये आयोजन चल रहा है। मेरी पूरी इन जो टीम है इनकी नवयुवक मंडल जो है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप यहां ज़रूर आएं और बप्पा के दर्शन करें, और ये जो मैसेज है मूषक ने जो सीट बेल्ट लगा रखा है आप भी हमेशा याद रखें, जब आप 4-व्हीलर ड्राइव करते हों तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, खुश रहें और सुनते रहें 94.3 माय FM। चलो आज कुछ अच्छा देखते हैं और अच्छा फॉलो करते हैं।